नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केजरीवाल के घर के सामने गिरी का धरना, समर्थन में उतरे सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा सांसद महेश गिरी ने रविवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर बैठकर अनशन शुरू कर दिया। महेश गिरी का कहना है कि जब तक केजरीवाल उनसे माफी नहीं मांगते उनका अनशन जारी रहेगा। गिरी के समर्थन में भाजपा के चर्चित नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी उतर चुके हैं, जिसके चलते मामला अब गर्मा गया है। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखकर एमसीडी के लीगल एडवाइजर एमएम खान की हत्या के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था। जिन आरोपियों का जिक्र केजरीवाल ने अपने खत में किया था उसमें एक नाम महेश गिरी का था, जबकि दूसरा नाम दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर का था। स्वामी ने कहा कि मैं यहाँ महेश गिरी जी का समर्थन करने पहुंचा हूँ। केजरीवाल ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। बिहार टॉपर्स घोटाले का सरगना लालकेश्वर पत्नी सहित वाराणसी में गिरफ्तार। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉपर्स घोटाले के कथित मास्टरमाइंड बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी एवं जदयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। पटना के SSP मनु महाराज ने बताया कि लालकेश्वर और उनकी पत्नी उषा को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि वैशाली स्थित विश्व राय इंटरमीडिएट कॉलेज के सचिव सह प्रधानाध्यापक बच्चा राय पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है और उसी ने इस डिग्री रैकेट मामले के सरगना लालकेश्वर और उनकी पत्नी के बारे में सूचना दी थी। गौरतलब है कि कला और विज्ञान के टॉपर्स रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठ इसी कॉलेज से आते हैं। जावा में भूस्खलन तथा बाढ़ से 35 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बाढ़ और भूस्खलन से 35 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई अन्य व्यक्ति लापता हो गए। अधिकारी ने बताया कि मध्यवर्ती जावा प्रांत के 16 जिलों के शहरों तथा कस्बों में बाढ़ के साथ भूस्खलन से हजारों मकान दब गए। 25 ग्रामीण अभी लापता है। बाढ़ तथा भूस्खलन का सबसे बड़ा असर पुखोजेयो जिले पर पड़ा है, जहाँ 19 व्यक्तियों की मौत हो गई। 7 व्यक्तियों की मौत केबुमेन जिले में हुई। अफगानिस्तान में बम धमाके, 22 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में सोमवार को अलग अलग बम विस्फोटों में 22 व्यक्तियों की मौत हो गई। इनमें 14 व्यक्तियों की मौत काबुल में नेपाली सुरक्षा गार्डों को लेकर जा रही एक बस को लक्ष्य कर किए गए हमले में हुई। सुरक्षा गार्ड एक प्राइवेट कंपनी के थे। काबुल का हमला प्रातः व्यस्त समय में किया गया। विस्फोट से बस के परखचे उड़ गए और मृत व्यक्तियों के शवों तथा घायलों को सड़क पर इधर उधर पड़े देखा गया। इसके एक घंटे बाद उत्तरी प्रांत बदनशा में मोटरसाइकिल पर लगाए गए एक बम में धमाका हुआ। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।